पुराने फ्रूटी के डब्बों से आप बहुत खूबसूरत उल्टा पुल्टा मकब बना सकते हैं। इसके लिए पुराना टेट्रापैक की पट्टी दरकार होगी। इस पर इस तरह का जाल बनाएं, जिसमें चार मुरब्बे और चार मुसलस होंगे। फिर पूरे जाल को कैंची से काटें और काटने के बाद एक सुई की नोक से सारी लकीरों पर निशान बना दें। इसकी वजह से अब आप इसे अच्छी तरह से तय कर सकेंगे। अब ये देखिए, ये तमाम तहें बन गई। अब इसे उल्टा करें और इसे इस तरह तय करके एक बड़ा मुरब्बा बनाएं। आपको आखिर में एक छोटा सा फ्लैप हासिल होगा। इस फ्लैप पर गोंद लगाएं और गोंद को कुछ देर के लिए सूखने दें और फिर इस फ्लैप को चस्पा कर दें। अब आपका ये जादुई मकब लगभग तैयार है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा मोड़ कर एक चांदी के रंग का मकब बना सकते हैं। ये देखिए, इसकी तमाम सतह सिल्वर है। फिर इसे दोबारा चपटा कर दें, मुस्ततील बनाएं और एक मुसद्दस बनाएं। और फिर इसे इस तरह तय करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि ये अब पलट कर हरा मकब बन जाएगा। फिर दोबारा इसे चपटा करके मुरब्बा, मुस्ततील और मुसद्दस बनाएं। फिर खोलें और हरा मकब गायब और चांदी के रंग का मकब बन जाएगा। ये फ्रूटी का डब्बा इसलिए इस खिलौने को बनाने के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसे हम कई मर्तबा मोड़ सकते हैं।